कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की मांगों को मानते हुए किसानों के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद जहां पूरे देश का किसान खुशी मना रहा है तो वहीं सितारगंज के किसानों ने भी कृषि कानून वापसी होने पर मिठाइयां बांटी। वहीं किसानों का कहना है कि जहां बीजेपी पहले तीनों कानून को सही करार दे रही थी लेकिन पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून के वापस लेने के बाद से ये साबित हो गया कि किसानों की मांग सही थी। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून सरकार नहीं बनाती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, तो किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। ऐसा ये बयान पहले ही राकेश टिकैत द्वारा दे दिया गया था, ट्वीट करके भी उन्होंने ये जानकारी दे दी थी कि किसी कृषि कानून का ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून को लिखित रूप में ना दे दिया जाए उसे रद्द करने की और संसद से उसकी ये ठोस तरह से बयान ना सामने आ जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा ये तीनों ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो कृषि कानून जैसे ही वापस लिए गए तब से ही सियासत गर्माई हुई नजर आ रही है और हर जगह से ये खबरें सामने आ रही है जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही है और यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किसानों से ज्यादा खुशी की लहर विपक्षियों में ही बह रही है। और साफ तौर पर अगर दूसरी तरह से ये भी देखा जाए तो किसानों कृषि कानून का ये मुद्दा काफी अहम था विपक्षियों के लिए, इसी के दम पर वो सरकार को बार बार घेरते थे और आम जनता से वोट भी मांगते थे लेकिन अब ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं तो सियासत का एक मुद्दा भी इनसे छिन गया है। बिल्कुल, और देखिए सितारगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुरुपर्व के मौके पर गुरुद्वारे सजाए गए और तमाम जो यहां पर तस्वीरें सामने आई देश भर में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया और इसे ऐतिहासिक दिन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक लंबे समय से यहां पर आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा था और 26 नवंबर को यहां किसान आंदोलन तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला था और ऐसे में किसानों की जो रणनीति थी वो फिलहाल ये थी कि आगामी चुनाव के मद्देनजर अब दिल्ली लखनऊ या फिर तमाम जो बड़े बड़े राज्य है जहां चुनाव होने हैं उन्हें कूच करने की तैयारी में थे और ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली यहां पर निकालनी थी लेकिन अब वो विफल साबित होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक यहां पर किया गया जो उसके बाद अब इस आंदोलन की समाप्ति की ओर कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों का अभी फिलहाल यही कहना है कि जब तक संसद में इस कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता और उसके बाद ही यहां पर किसान आंदोलन खत्म होगा और इसके साथ ही एमएसपी पर गारंटी की बात भी यहां पर कही जा रही है तो एक नई मांग यहां पर किसानों की तरफ से की जा रही है उसकी जीती जागती बानगी देश भर में तो देखिए उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और दूसरा आज गुरु नानक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय काले कानून वापस लेने का लिया गया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।